मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन राज्यसभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारतीय कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह समाज का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी के देश में यह सुनना कि हिंदी तो पानीपुरी बेचने वालों की भाषा है, यह अंतर मन को आहत कर जाता है। और ऐसे लोगों के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। दुनिया की सभी भाषाओं का अपना अलग अलग सौंदर्य होता है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं लेकिन हिंदी बोलने वाले केवल पानी पूरी बेचते हैं, इतनी छोटी सोच आखिर आती कहाँ से। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा निवेदन है कि हिंदी तेलुगु या हिंदी मराठी के नाम पर मत बांटिए हमें। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माथे की बिंदी है। देश जितना भाषाओं के नाम पर बढ़ता जा रहा है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच, मनुष्य और क्षेत्रवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी भूलना नहीं चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जगति सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी भूलना नहीं चाहिए। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस भावना का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। और बस मैं अपनी अंतिम पंक्तियाँ कहकर यह प्रस्तुति यहीं समाप्त करती।